बीते दिनों नेपाल के पर्यटक के साथ टिकट को लेकर ठगी का मामला सामने आया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए एएसआई ने विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग विंडो खोल दी है, जिससे विदेशी पर्यटकों को ताजमहल पर टिकट खरीदने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीते दिनों नेपाल से ताजमहल घूमने आए पर्यटकों के साथ टिकट को लेकर ठगी का मामला सामने आया था, जिसको पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण ने गंभीरता से लेते हुए विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग विंडो खोल दी है, जिससे अब ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक ऑफलाइन भी टिकट खरीद सकेंगे। बुकिंग विंडो खुलने से विदेशी पर्यटकों को काफी राहत मिली है। ऑनलाइन टिकट की वजह से कई विदेशी पर्यटक ठगी का शिकार हुए थे, वहीं अब बुकिंग विंडो खुलने से विदेशी पर्यटक आसानी से ताजमहल की टिकट खरीदकर ताजमहल में प्रवेश कर सकेंगे। डीजी माजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।